मिलाकर के बीएससी थर्ड ईयर में शुरुआत करते हैं। जो सिलेबस है आपका, फर्स्ट पेपर का नाम है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। आप लोगों को तो मालूम ही है कि चाहे वो पार्ट वन हो, चाहे पार्ट टू हो, चाहे पार्ट थ्री हो, हर पेपर में तीन यूनिट्स होती हैं। फिजिक्स में हर पेपर में चार यूनिट्स होंगी, तीन पेपर होंगे, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर। चैप्टर्स नेम से नहीं जाना जाता, सिलेबस यूनिट के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसमें जो रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, उसमें फर्स्ट चैप्टर है रिलेटिविटी, फर्स्ट चैप्टर रिलेटिविटी, और इसी को यूनिट वन भी बोलते हैं। बाकी तीनों यूनिट्स जो हैं वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, सेकेंड यूनिट भी, थर्ड यूनिट भी और फोर्थ यूनिट भी। कुछ लोग इसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। सेकेंड पेपर आपका है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, दो यूनिट सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। कुछ पोर्शन इसका आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी बहुत कुछ ऐसा है जो 12 में भी आप पढ़ते हैं, लेकिन उससे थोड़ा एडवांस यहाँ पर रहेगा। दो यूनिट ये है, यूनिट वन और यूनिट टू, यूनिट थ्री और यूनिट फोर आपका न्यूक्लियर फिजिक्स होगा। ये सेकेंड पेपर है, लेकिन सेकेंड पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इस बार कोई भी पेपर चेंज नहीं होगा, मतलब ये कि जो ऑब्जेक्टिव है वही रहेगा, क्योंकि इस ईयर में कोई चीज़ चेंज होने वाली नहीं है। तो सेकेंड पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, फर्स्ट और थर्ड पेपर सब्जेक्टिव होगा। थर्ड पेपर का नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ टाइम पहले इसका नाम था सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है अल्टीमेटली, तो इसलिए बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्ड जो है वो हटा दिया गया। कुल मिलाकर जैसे मान लीजिए ट्रांजिस्टर पढ़ना है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही, या डायोड पढ़ना है, पीएन जंक्शन डायोड, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ना है, या इनकेस मान लीजिए उससे भी एडवांस जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसको जेफेट बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसको मॉसफेट बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब हैं तो डिवाइसेज ही, तो इसलिए डिवाइसेज अलग से लिखा जाए इसका कोई मतलब नहीं है। पेपर का नाम शॉर्ट में करके सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया गया। ये तीन पेपर हैं, सेकेंड पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, फर्स्ट और थर्ड पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। तो बुक्स अगर लेना चाहें तो प्रगति प्रकाशन, प्रगति प्रकाशन की बुक आप ले सकते हैं। अगर और कोई बुक आपके पास है, या कहीं लाइब्रेरी वगैरह से आप इशू करा सकते हैं, या पहले से प्रेजेंट है आपके पास कोई बुक, तो आप उसका यूज़ करिए। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि प्रगति प्रकाशन की बुक ही लीजिए, लेकिन कॉपी ज़रूर बनाइए। आप मेरे सामने नहीं हैं, जब मेरे सामने होते थे तो कहीं ना कहीं मैं देखता रहता था कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा, लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोगों ने लेक्चर दिया और उसके बाद आपने कुछ लिखा नहीं या पढ़ा नहीं, तो ये आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। तो कुल मिलाकर के ये है, और किस क्या पैटर्न रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्न है तो इसलिए बताना ज़रूरी है कि आपको हम लिखवाएंगे नहीं अभी फ़िलहाल, जब तक कि ये सिचुएशन है, जो कि बहुत लंबा भी टाइम लग सकता है इसमें, अभी कुछ कह नहीं सकते, किसी को नहीं मालूम है तो हम लोगों को भी नहीं मालूम है। ऑफलाइन क्लासेस अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए जिस तरह से नोट्स हम लिखवाते थे तो वो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही बुला बुला करके और आपको नोट्स लिखवा पाएँ इस सेशन में, जब तक गवर्नमेंट एडवाइजरी कोई नहीं होगी, गाइडलाइन नहीं होगी, मैं उसके बगैर कोई काम नहीं करता। इसलिए जब भी होगा तो उसको आपको कराया जाएगा। तो सवाल है कि फिर नोट्स कैसे बनाएंगे, नोट्स के लिए हम आपको खुद लिख करके या किसी कॉपी से पीडीएफ करके आपको जो है भेजेंगे, और आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसमें डाल देंगे, आप लोग उसको देख लेंगे और उसको लिख। लेकिन आप पीडीएफ का मतलब ये नहीं है कि आपने मोबाइल में हर कुछ स्टोर कर लिया, बहुत साफ सी बात है, आप उसको कॉपी पे नोट करेंगे, कॉपी बनाएंगे बढ़िया सी,
कॉपी पेन सब कुछ जब पढ़ें आप लाइव क्लास में, तो कॉपी भी रखिए पेन भी रखिए, और जिस तरह से क्लासरूम में पढ़ते हैं उस तरह से पढ़िए। थर्ड ईयर का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, जितना परसेंटेज आप बढ़ा ले जाएंगे थर्ड ईयर में आपको बेनिफिट होगा, सेकेंड ईयर में भी जो मार्किंग होगी वो कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के एवरेज से होगी। तो अगर थर्ड ईयर में मार्किंग आप बढ़ा ले गए तो आपको सेकेंड ईयर का भी फायदा हो जाएगा, ये एक बेनिफिट भी है। ठीक है, खैर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को ऐप वगैरह डाउनलोड करना है तो मैं बता दूँ, मैं पप्पन वाजपेयी, पप्पन क्लासेस के नाम से मेरा फिजिक्स का कोचिंग सेंटर है। आप गूगल प्ले स्टोर में जा करके पप्पन क्लासेस PAPPAN क्लासेस के नाम से ऐप है और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे, एक दूसरा नंबर भी है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस बार आप ऐप के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इन केस ऑफलाइन का मौका होगा अक्टूबर या नवंबर के बाद मिला भी तो भी ऑनलाइन क्लास आपकी चलती ही रहेगी, क्योंकि मौका मिलेगा फिर इसके बाद अगर रिपीट करता है ये प्रॉब्लम, ये पेंडेमिक सिचुएशन फिर रिपीट करती है तो फिर से बैठना पड़ जाएगा घर पे। तो कुल मिलाकर के ऑनलाइन क्लास बंद करने का कोई चांस नहीं है। ऑफलाइन 10-10 बच्चों को भी बुलाया जा सकता है, मान लीजिए किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उससे फिर कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ गई, और बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर ये भी है, और आप अगर इस पर भी करेंगे तो भी वो मुझे मिल जाएगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्लियर, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, 2-4 टर्न के बाद PDF फाइल आपको सेंड करेंगे और उसमें आप जो है नोट्स धीरे धीरे करके देंगे, जितना पढ़ाएंगे उतना नोट्स आप, या ये भी करेंगे कि जिस टर्न में जो पढ़ाना है तो पहले से ही आपको दे दिया, आपने नोट कर लिया, फिर क्लास में आपने पढ़ा उसको। क्लियर, अब आ जाइए कहाँ से स्टार्ट करना है। 3 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पेपर का नाम रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, Unit 1। रिलेटिविटी, Unit 1 रिलेटिविटी। रिलेटिविटी की शुरुआत एक्चुअल में BSc Part 1 से होती है, हम ये भी कह सकते हैं। कि 11 से होती है, 11 में भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया जाता है, इसको हिंदी में निर्देश तंत्र कहते हैं, थोड़ा सा वहां भी है। Part 1 में भी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के बारे में है, और यहाँ पर फिर इसके बाद इसका डिटेल है, पूरा एक चैप्टर है रिलेटिविटी जो कनेक्टेड है फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस से। सवाल है फ्रेम ऑफ, फ्रेम्स प्लूरल फॉर्म है, जब एक्सप्लेन करेंगे तो फ्रेम को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जब चैप्टर की बात आएगी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो सब मिलाकर के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस उनको बोला जाएगा। अब देखिए क्या मतलब हुआ इसका, यहां से स्टार्ट करते हैं। किसी ने बोला कि लखनऊ 80 किलोमीटर दूर है, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। क्यों? लखनऊ एक पोजीशन है, और जिसने उस पोजीशन का ऑब्जर्वेशन किया है वो ऑब्जर्वर है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो ऑब्जर्वर कहां पर है। जैसे ऑब्जर्वर मान लिया कोई ऑब्जर्वर वो यहां पर है, और उसने कहा कि वो पोजीशन, कोई भी स्टेशन का नाम ऐसे ही दे दिया, मान लीजिए वो एक पार्टिकल है, वो लखनऊ है, और वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मान लिया ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो उसने ये कहा कि लखनऊ 80 किलोमीटर हमसे दूर है अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन अगर वही ऑब्जर्वर या कोई दूसरा ऑब्जर्वर कलकत्ता में बैठा हुआ है तो वो लखनऊ की पोजीशन को 80 किलोमीटर नहीं कह सकता। इट मींस किसी भी ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की, प्लेस की पोजीशन का ऑब्जर्वेशन रिलेटिव टू ऑब्जर्वर होता है। उस ऑब्जर्वर को हम ओरिजिन कहते हैं, ऑब्जर्वर का साइज क्या है इस बात से कोई मतलब नहीं है, उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है इस बात से भी कोई मतलब नहीं। लखनऊ 80 किलोमीटर दूर है, लखनऊ तो बहुत बड़ा सिटी है, तो कौन सा प्लेस 80 किलोमीटर दूर है ये भी तो बताना पड़ेगा। तो हम यहां पर लखनऊ एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं केवल, बाकी तो पार्टिकल या बॉडी या ऑब्जेक्ट की बात करेंगे आगे। तो कुल मिलाकर के जो ऑब्जर्वर है वो ओरिजिन से रिप्रेजेंट होता है, ओरिजिन ओ से रिप्रेजेंट करेंगे,
ओ एक रियल वर्जन हो गया जो कि ऑब्जर्वर है। अब सवाल है फ्रेम क्या है उस ओरिजिन से। ये सपोज ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को हिंदी में प्रेक्षक कहते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, पीछे भी है। आठ ऑक्टेंट बनते हैं, जैसे टू डायमेंशन में चार क्वाड्रेंट बनते हैं, उसी तरह से थ्री डायमेंशन में आठ ऑक्टेंट बनते हैं। एक दो तीन चार, इस प्लेन के चार ऊपर चार नीचे, तो कुल मिलाकर के ये कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन ये हो गया, वाई जेड प्लेन ये हो गया, जेड एक्स प्लेन ये हो गया। तीनों प्लेन एक दूसरे को जहां मीट करते हैं, जहां इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जहां मीट करते हैं, जहां इंटरसेक्ट करते हैं, वो एक पॉइंट है और उस पॉइंट को ही ऑब्जर्वर कहा गया, ओरिजिन कहा गया। इससे पता क्या चला, इससे पता चला कि ओरिजिन ही सब कुछ है। एक्सिस तो फिक्टिशियस है, आपने बना लिया। एक चीज और, थ्री डायमेंशनल एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन, एक्सिस जो हम यहां पर बोल रहे हैं उसकी स्पेलिंग ए एक्स आई एस नहीं है, ए एक्स ई एस है, बिकॉज ए एक्स ई एस इज ए प्लूरल फॉर्म ऑफ ए एक्स आई एस, हम तीनों एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो जो ओरिजिन है उस पर एक्सिस ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस, ऐसे मैंने तिरछा कर दिया तो ये वाई एक्सिस हो गई, तो फिर ये जेड एक्सिस हो गई। मतलब क्लियर है, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस वर्टिकल है, तो फिर इसका क्या करेंगे। तो क्वेश्चन ये अराइज यहां पर होता है कि हम एक्सिस को कैसे लें। आप किसी भी तीनों में किसी को भी एक्स एक्सिस मान सकते हैं, किसी को भी वाई एक्सिस मान सकते हैं, किसी को भी जेड एक्सिस मान सकते हैं। एक्स एक्सिस की कोई भी डायरेक्शन पॉसिबल है, इंक्लाइंड भी ऐसे करके हो सकता है। एक एक्सिस बनाने के बाद फिर दो एक्सिस जो बनेंगी वो बहुत ध्यान से बनेंगी, वो पर्टिकुलर उस दो तीनों एक्सिस ऐसे बनाएंगे कि तीनों एक दूसरे के कैसी हों, परपेंडिकुलर। प्लेन्स कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो कुल मिलाकर के तीन कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जहां मीट करती हैं, जहां इंटरसेक्ट करती हैं, वो ओरिजिन है, वो ऑब्जर्वर है, और जो फ्रेम तैयार हुआ, जो संरचना, जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में कहेंगे रेफरेंस का फ्रेम, निर्देश का तंत्र है ये फ्रेम है, फ्रेम माने तंत्र। तो कुल मिलाकर निर्देश तंत्र है। सवाल है किस काम आता है ऐसा सब, ये क्यों कर रहे हैं। एक सिस्टमैटिक एरे बना लिया गया, एक क्रमबद्ध व्यवस्था बना ली गई, क्योंकि देखिए ऑब्जर्वेशन कभी भी हो उल्टा सीधा कुछ नहीं चल सकता। कि पता चला मान लीजिए जैसे कोई गवर्नमेंट का ऑफिस हो, ये फाइल कहाँ है, कहने लगे वहां पड़ी हुई है, वो फाइल कहाँ है, कहने लगे वहां पर पड़ी हुई है, तीसरी फाइल कहाँ, कहने पता नहीं है, तो ये नहीं। फिजिक्स में मोशन और पोजिशन, खासतौर से हम बात करें तो मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स में पोजिशन और मोशन की एनालिसिस करने के लिए एक सिस्टमैटिक एरे अरेंज किया गया, और वो अरेंज ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। डेफिनेशन क्या है पर्टिकुलर, ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन एंड मोशन ऑफ एनी पार्टिकल कैन बी ऑब्जर्व्ड, कॉमा, इसके बाद कॉमा अप्लाई करेंगे जब आप लिखेंगे, अभी तो मैं बोल रहा हूं केवल, इज नोन एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक ऐसा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकता है, उसकी पोजीशन और मोशन दोनों की एनालिसिस करते हैं, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ऑब्जर्वर का होना बहुत जरूरी, अभी मैंने इसका एक एग्जांपल बताया, अब इसका एक दूसरा एग्जांपल देखिए। ऑब्जर्वर नहीं है तो आप कहते रहिए लखनऊ 80 किलोमीटर दूर है, ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि 80 किलोमीटर दूर है कि 50 है कि 500 है कि 5000 है, तो ये तो ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा। ऑब्जर्वर बगैर कैसे आपने कह दिया कि लखनऊ, यूनिफॉर्मली कोई प्लेस किससे इससे इतना दूर है, ये तो हम कह ही नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के ऑब्जर्वर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बाकी उसके द्वारा एक फ्रेम तैयार हो जाता है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के लिए, और तब हम उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और जितने तरह के मान लीजिए ऑब्जर्वर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसीलिए यहां पर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस कहा गया या निर्देश तंत्र कहा गया। चलिए तो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के लिए हम इसको ऐसे बना सकते हैं, एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस ओरिजिन, जेड एक्सिस फ्रेम को हम किस नाम से जानेंगे, एस नाम से जानेंगे, फ्रेम को हमेशा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जरा एक दूसरा एग्जांपल हम बता रहे हैं, एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है, जिस तरह से लखनऊ 80 किलोमीटर दूर है इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है, उसी तरीके से कार 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। कैसे? ऑब्जर्वर तो डिसाइड करिए कि ऑब्जर्वर कौन है, मेजर कौन कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा है, इस बात का मेजरमेंट कौन कर रहा है। अब देखना एक ऑब्जर्वर है अर्थ पर बाहर खड़ा हुआ है, यह बात समझ में आ गई, कार एक सामने से पास कर गई अलोंग एक्स एक्सिस सपोज, स्पीडोमीटर की हेल्प से उसने देखा कार 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, 40 किलोमीटर पर आवर उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलावा, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी बना सकते हैं, हम यहां पर एक्सिस वाइज बता रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज द वेलोसिटी। अगर खाली 40 किलोमीटर पर आवर बोलेंगे तो वो स्पीड कहलाएगा, चाल कहलाएगा, वेलोसिटी या वेग नहीं कहला सकता। अब देखिए इसका मीनिंग क्यों नहीं है, एक ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा हुआ है उसने कहा कि कार 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से निकल गई, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि आफ्टर वन आवर कार इस ऑब्जर्वर से, यह ऑब्जर्वर हो गया, कार ऑब्जेक्ट हो गई, इस ऑब्जर्वर से वो ऑब्जेक्ट कितना सेपरेशन में, कितना दूर है, 40 किलोमीटर, बिकॉज एक घंटे में वो 40 किलोमीटर चला गया। क्लियर? अब देखिए दूसरा केस, कार का ड्राइवर भी ऑब्जर्वर है, कार के ड्राइवर के लिए वो एक ऑब्जर्वर है और कार ऑब्जेक्ट है। आफ्टर वन आवर ड्राइवर जो कि ऑब्जर्वर है और कार जो कि ऑब्जेक्ट है उनके बीच का सेपरेशन कितना होगा? जीरो। तो कार का ड्राइवर यह कहेगा कि कार 0 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रही है, मतलब रेस्ट में है। यानी एक ऑब्जर्वर ने कहा कार 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस चली जा रही है, कार का ड्राइवर क्या कह रहा है कि कार 0 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है, इसका मतलब यह हुआ कि वो पर्टिकुलर रेस्ट में है। एक चीज और, 0 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चली जा रही है, याद रखेंगे जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको जीरो वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं, और उसकी डायरेक्शन डिसाइड नहीं करते, तो इसलिए वो सवाल नहीं है। ये नहीं, इसीलिए मैंने वो सेंटेंस नहीं बोला कि 0 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से एक्स एक्सिस पर जा रही है, क्योंकि अगर कोई वेक्टर जीरो वेक्टर या नल वेक्टर है तो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़िए, एक साइकिल राइडर 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहा है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब सवाल है ये बात कौन कह रहा है? अब देखो तीन लोग हो गए, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जर्वर के लिए दोनों ऑब्जेक्ट हैं। क्या कह रहा है? कार यानी ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहा है, मैं डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा हूं, और साइकिल, साइकिल राइडर सहित एक ऑब्जेक्ट है 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहा है। ये ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वर बदलिए, कार का ड्राइवर ऑब्जर्वर हो गया। देखो उसने क्या क्या कहा, उसने कहा कार 0 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है, मतलब रुकी हुई है। जो पहले वाला जो ये ऑब्जर्वर था, कार का ड्राइवर कहेगा कि वो ऑब्जर्वर 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है। क्यों कहेगा? क्योंकि जब ये एक घंटे बाद देखेगा तो वो छूट चुका होगा पीछे, कितना पीछे छूट चुका होगा, 40 किलोमीटर। अब आ जाइए साइकिल राइडर, साइकिल राइडर ये कहेगा मेरी वेलोसिटी तो जीरो है, और बहुत क्लियर भी है कि उसकी, वो क्यों कहेगा कि मेरी वेलोसिटी जीरो है, उसका रीजन ये है कि पर्टिकुलर जो साइकिल राइडर है वो और साइकिल सहित दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक घंटे बाद, जीरो। अब देखो ये क्या क्या कहेगा, कार 35 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, जा रही है। ये कौन कहेगा? साइकिल राइडर। क्यों कहेगा? आफ्टर वन आवर ये पहुंचा 5 किलोमीटर, आफ्टर वन आवर कार पहुंची 40, तो साइकिल राइडर के रिस्पेक्ट में, साइकिल राइडर एक ऑब्जर्वर है, उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट यानी कार कितना दूर निकल गई बताइए, 35, क्योंकि 5 तो ये भी चला गया और वो 40 गई, तो जो सेपरेशन आया वो 35। बहुत क्लियर सा मीनिंग ये है कि जब तक ऑब्जर्वर डिसाइड ना हो तब तक हम पोजिशन और मोशन
ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी एक्सप्लेन्ड। और जब हम ऑब्जर्वर डिसाइड कर लेते हैं तो एक सिस्टमैटिक फ्रेम तैयार करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स का, उस फ्रेम को ही किस नाम से जाना जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार डेफिनेशन सुनिए, ए थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन एंड मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज एनालाइज्ड नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक चीज और इससे पता चलनी चाहिए, ये स्टेशनरी भी हो सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये मूवेबल भी हो सकता है। दरअसल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना स्टेशनरी होगा ना मूवेबल होगा, ऑब्जर्वर होगा सब कुछ। ओ अगर स्टेशनरी है तो हम ये बोल सकते हैं कि एस फ्रेम भी स्टेशनरी है, ओ अगर मूव कर रहा है तो अभी तीन के एग्जाम्पल थे, कोई भी अपने को ऑब्जर्वर कह सकता है, बाकी दोनों को ऑब्जेक्ट कह सकता है। तो कुल मिलाकर के ये स्टेशनरी भी हो सकता है, ये मूवेबल भी हो सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, जड़त्वीय और अजड़त्वीय, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। दोज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आर सेड टू बी इनर्शियल इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड। कुल मिलाकर के अगर न्यूटन का पहला नियम किसी फ्रेम में काम करे, होल्ड करे, सेटिस्फाई हो, संतुष्ट करे उसको, तो ऐसे फ्रेम को क्या बोलेंगे हम, इनर्शियल या जड़त्वीय। सवाल है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन ने क्लासिकल मैकेनिक्स में फर्स्ट लॉ दिया कि एफ एक्सटर्नल वेक्टर इक्वल्स जीरो, देन v वेक्टर इक्वल्स कांस्टेंट और mv वेक्टर इक्वल्स कांस्टेंट और p वेक्टर इक्वल्स कांस्टेंट। p वेक्टर क्या चीज है आप समझ गए होंगे, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग। अब सवाल है आपका जो फ्रेम बनाया, मास कहां से आ गया, याद रखेंगे मैंने आपको बताया था फ्रेम कुछ नहीं है सब कुछ कौन है, ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर तो कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, ऑब्जर्वर हम ओरिजिन के फॉर्म में लेते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ एक स्केलर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। अगर दोनों वेक्टर होते तो दो तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, डॉट प्रोडक्ट जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, और दूसरा क्रॉस। तो वो उस मैथमेटिक्स का काम है, उससे यहां पर मतलब नहीं ज्यादा। पी वेक्टर जो डायरेक्शन वेलोसिटी की वही डायरेक्शन मोमेंटम। अब देखिए क्या बताया गया, न्यूटन ने बताया कि अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे या फोर्सेस ना लगे, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जर्वर है या कोई भी है, अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि लीनियर मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक चीज और, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी के कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी के कांस्टेंट रहने का मतलब होता है नाइदर इट्स मैग्नीट्यूड नॉर डायरेक्शन विल चेंज, ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, 90 डिग्री टर्न कर गई जेड एक्सिस के अलोंग, लेकिन उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर ही है। अब सवाल है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या बदल गई है, ध्यान से देखिए, 40 से जा रही थी, 40 से टर्न कर गई परपेंडिकुलर 90 डिग्री सेपरेशन पर, 90 डिग्री एंगल पर, कह रहा है बताइए वेलोसिटी का चेंज कितना है, स्पीड का चेंज जीरो है, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। कैसे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसको भी समझ लीजिए, जैसे मान लिया हमने 40 किलोमीटर पर आवर, देन 40 किलोमीटर पर आवर, ये v1 वेक्टर है और ये आपका v2 वेक्टर है। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल 4 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स 1 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, टॉप पे एरो बनाते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये एरो। कुल मिलाकर के ये v1 वेक्टर हो गया इक्वल्स दिस,
और ये क्या हो गया वी टू वेक्टर। ध्यान से देखें तो दोनों की लेंथ सेम होगी, 10-10 सेंटीमीटर मान लो, किसी ने 8 किलोमीटर पर आवर को 1 सेंटीमीटर मान लिया तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग वेक्टर बनाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों की लेंथ सेम, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी निकालिए, डेल्टा वी वेक्टर इक्वल्स वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। जीरो आ जाए तो हम कह देंगे वेलोसिटी का चेंज नहीं हुआ। अब देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सब्ट्रैक्ट करने का एक तरीका, यही एक तरीका नहीं है, लेकिन यहां पर एम वेक्टर एनालिसिस को समझना नहीं है, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी समझना है। तो एक तरीका यह भी होता है प्लस माइनस वी वन वेक्टर, दो वेक्टर का समेशन। अब दो वेक्टर का सम ऐसे तो करते नहीं 40-40 जोड़ दिया 80 आ गया, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, हो भी सकता है अगर एक ही डायरेक्शन में होते दोनों तो ऐड हो गए, लेकिन जो मेथड है जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करिए, जो आना होगा अपने आप आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टू वेक्टर ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ड्रॉ करते हैं वी टू वेक्टर, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, स्केल के बगैर नहीं हो पाएगा ये। स्केल मान लो 4 किलोमीटर पर आवर को 1 सेंटीमीटर मान लिया तो कुल मिलाकर के ये 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन होगी, तो 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन होगी। डायरेक्शन को कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, क्यों, ये डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है, इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये वेक्टर है ये वेक्टर है, इन दोनों बातों में अंतर है। मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया आपने तो मैग्नीट्यूड को कुछ ना करिए, डायरेक्शन को डॉटेड एक्सटेंड कर दीजिए। फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया वी टू वेक्टर, वी टू वेक्टर फ्रॉम द टॉप ऑफ वी टू वेक्टर, वी टू वेक्टर के टॉप से सेकेंड वेक्टर ड्रॉ करें। अब सवाल है सेकेंड वेक्टर क्या है, सेकेंड वेक्टर वी वन वेक्टर नहीं है, सेकेंड वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर है। माइनस वी वन वेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाएगा, माइनस वी वन वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा ऐसे, माइनस वी वन वेक्टर, माइनस वी वन वेक्टर ड्रॉ करेंगे हम इस तरीके से, देखिए कैसे। माइनस वी वन वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड वही होगा जो वी वन वेक्टर का होगा। किसी वेक्टर में माइनस लगने का मतलब होता है उसकी डायरेक्शन रिवर्ट कर जाना। अगर ये डायरेक्शन वी वन वेक्टर की है तो माइनस वी वन वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इसको भी कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लो 4 किलोमीटर पर आवर को आपने 1 सेंटीमीटर मान लिया तो 10 सेंटीमीटर लंबा वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन है डॉटेड, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टॉप ऑफ सेकेंड वेक्टर को ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज योर वी टू वेक्टर प्लस माइनस वी वन वेक्टर इक्वस वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर इक्वस डेल्टा वी वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी। वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होता है, एरो की डायरेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन है वेक्टर की डेल्टा वी वेक्टर। अब देखिए इसकी लेंथ ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर तो ये 10√2, ये 40, ये 40 किलोमीटर पर आवर तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा 40√2 किलोमीटर पर आवर और ये एंगल आएगा 45 डिग्री। कैसे, ये दो साइड सेम है, हाइपोटेन्यूस अलग है केवल 40√2, तो अल्टीमेटली ये एंगल दोनों सेम होंगे 45-45। अब देखो कैसे, डेल्टा वी वेक्टर यानी वेलोसिटी का चेंज 40√2 किलोमीटर पर आवर है और इसकी डायरेक्शन क्या है, हमेशा डायरेक्शन नोन डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। जैसे वी टू वैक्टर की डायरेक्शन ये तो गिवन था ना, वी वन वैक्टर और वी टू वैक्टर गिवन था, अगर वी वन वैक्टर और वी टू वैक्टर गिवन था तो वी वन वैक्टर और वी टू वैक्टर की डायरेक्शन भी गिवन थी, ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन, ये नोन डायरेक्शन है। डेल्टा वी वैक्टर, जब भी कोई वैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है तो दो चीजें हमेशा ऑब्जर्व की जाती हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नीट्यूड 40√2 किलोमीटर पर आवर है और डायरेक्शन वी टू वैक्टर के साथ 45 डिग्री बनाती है। तो एक तरीके से वी टू वैक्टर की डायरेक्शन अगर वेल नोन है तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा वी वेक्टर की डायरेक्शन भी उसके रिस्पेक्ट में। अब आप कह दो हम कोई जरूरी है कि वी टू वैक्टर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, नहीं, वी वन वैक्टर के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो ये तो केवल आंसर में लास्ट में लिखा है डेल्टा वी वैक्टर 40√2 किलोमीटर पर आवर है। देखिएगा ध्यान से, ये वी वन वैक्टर की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन के लिए कोई फिगर में जाने की जरूरत नहीं है, वही ऐसे ही ये वी वन वैक्टर की डायरेक्शन है।
और ये डेल्टा वी वेक्टर की डायरेक्शन है। देखिए ये वी वन वेक्टर की डायरेक्शन और ये डेल्टा वी वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 + 45 दैट इज 135 डिग्री। याद रखेंगे कुछ लोग इसको कह देंगे ऐसे 45 डिग्री, ये तो गलत हो गया ना, ये तो माइनस वी वन वेक्टर की डायरेक्शन है। वी वन वेक्टर की डायरेक्शन ये है वी वन वेक्टर, और डेल्टा वी वेक्टर की डायरेक्शन ये है वी वन वेक्टर, और ये क्या है डेल्टा वी वेक्टर। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, अगर वो एंगल ये वाला एंगल अगर 45 था तो 180 - 45 दैट इज 135 डिग्री। यानी कुल मिलाकर के जो एंगल होगा वी वन वेक्टर और डेल्टा वी वेक्टर के बीच का वो कितना होगा 135 डिग्री होगा। एकदम क्लियर है कि पर्टिकुलर अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो भी वो वेलोसिटी का चेंज है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। जिनमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो करे वो इनर्शियल, और जिनमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो ना करे वो नॉन इनर्शियल। मतलब जो फ्रेम्स एक्सीलरेट हो अपनी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को, या दोनों को अगर चेंज करें, जैसे एक कार है 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है तो वो भी एक फ्रेम बन सकता है। अगर ड्राइवर को ऑब्जर्वर मान लें तो वो फ्रेम बन गया, और फिर इधर की तरफ टर्न कर गई कार तो भी वो पर्टिकुलर क्या है 40 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड नहीं बदला, डायरेक्शन बदली है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, ए वेक्टर इक्वल्स डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ये चेंज वेलोसिटी का जितने टाइम में हुआ, टाइम तो स्केलर होता है, ये वेलोसिटी का चेंज 40√2 जितने टाइम में हुआ है वो पर्टिकुलर अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उसका एक्सीलरेशन आ जाएगा। और अगर किसी फ्रेम में एक्सीलरेशन है यानी वेलोसिटी का चेंज है तो ऐसे फ्रेम को हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, पूरी अर्थ को बताइए, अर्थ कैसा फ्रेम है, अर्थ तो रोटेटरी फ्रेम है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट करती है इन 24 आवर्स, अबाउट द सन रोटेट करती है 365 डेज में, हालांकि 365 फिक्स नहीं है, 365 में 1/4 डेज ज्यादा, यही रीजन है कि 4 साल में एक बार हम ये 1 डे बढ़ाते हैं, 1/4 डेज, 1/4 डे, 1/4 डे, 1/4 डे, 1/4 डे, पूरा एक दिन बढ़ गया, और 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, हम उसमें 366 डेज कंसीडर करते हैं। तो उसके पीछे लॉजिक यही है क्योंकि पूरा एक टर्न लेने में 365 डेज से ज़्यादा लगता है। सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है 365 दिन में, अपनी ओन एक्सिस पर रोटेट कर रही है 24 आवर्स में। तो कहने का मतलब क्लियर है कि अर्थ एक रोटेटरी फ्रेम है। अर्थ अगर रोटेटरी फ्रेम है, चीज और जान लीजिए, रोटेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बदले चाहे ना बदले, लेकिन डायरेक्शन को आप रोक नहीं सकते, लगातार डायरेक्शन क्या करती है, चेंज होती है। ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये कंटिन्यूअस डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि नहीं उससे मतलब ही नहीं है, डायरेक्शन बदलेगी, आपको मालूम है कि वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, अगर वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती तो ऐसा फ्रेम नॉन इनर्शियल होगा, यानी अर्थ क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। इससे एक प्रॉब्लम डेवलप हो गई, प्रॉब्लम डेवलप ये हो गई कि अगर अर्थ नॉन इनर्शियल है और हमने कहा हम रुके हुए हैं तो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं। अगर हम बाहर से जाकर के देखेंगे, बाहर का मतलब अर्थ के बियॉन्ड, अर्थ के बियॉन्ड जाकर के हम देखेंगे तो हम भी रोटेट कर रहे होंगे अबाउट अराउंड द सन एज वेल एज अबाउट ओन एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो कुल मिलाकर के तो हम भी एक नॉन इनर्शियल बन गए, तो फिर हम इनर्शियल फ्रेम तो कुछ किसी को कह ही नहीं पाएंगे। इस चैप्टर को पढ़ते समय हमने किसको रोक लिया, अर्थ को। अर्थ हमने मान लिया एक स्टेशनरी फ्रेम है। अगर कोई फ्रेम इस अर्थ पर, अगर कोई ऑब्जर्वर, फ्रेम ना कहें, अगर कोई ऑब्जर्वर इस अर्थ पर ऐसे स्टैंड करता है तो अगर अर्थ रुकी हुई है तो ये ऑब्जर्वर भी कैसा है, यूनिफॉर्मली स्टेशनरी पोजीशन पर है, और ये फ्रेम कैसा कहलाएगा, इनर्शियल कहलाएगा। देखिए रुके रहना भी जीरो वेलोसिटी बोल सकते हैं, कोई फोर्स लग नहीं रहा, इसका मतलब ये रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, और अगर वेलोसिटी एक पर्टिकुलर से चल रहा है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि आप बाहर से फोर्स न लगाएं, इनर्शियल। अगर कोई फ्रेम स्टेशनरी है और स्टेशनरी ही बना रहता है तो उसको इनर्शियल कहेंगे,
अगर कोई फ्रेम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना डायरेक्शन, तो वो भी किसका एग्जांपल है? अगर कोई फ्रेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो भी नॉन इनर्शियल है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, डायरेक्शन चेंज करता है तो भी नॉन इनर्शियल है। दोनों चेंज करता है तो भी नॉन इनर्शियल है। कहने का मतलब ये कि अगर किसी फ्रेम में एक्सीलरेशन है तो वो फ्रेम किसका एग्जांपल बनेगा? नॉन इनर्शियल का। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फ्रेम को कैसा कंसीडर करते हैं? इनर्शियल, नॉन इनर्शियल नहीं लेते। इसलिए हमने अर्थ को रोका, अर्थ को कह दिया स्टेशनरी फ्रेम है, स्टेशनरी बॉडी है, एक पॉइंट के फॉर्म में मान लिया गया अर्थ को। और अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई रुका हुआ है तो उसको हम रुका हुआ कह सकते हैं, जैसे कि ये फ्रेम मैंने बताया था तो अभी इसको चलता हुआ नहीं बताया था। दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। एक चीज और जान लीजिए कि थर्ड ईयर में ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस या फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो यहीं से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। इसके नोट्स हम आपको देंगे, आज मैंने केवल समझाया है, आपने नोट भी किया होगा, वीडियो आपके कोर्स कंटेंट में पड़ा रहेगा तो आप इसको देख सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर में जा करके पप्पन क्लासेस के नाम से ऐप है हमारा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस दो फ्री हैं, 16th ऑफ जुलाई मींस आज और 18th ऑफ जुलाई आफ्टर टुमारो, और उसके बाद पे करके ही आप लाइव क्लासेस में आ सकते हैं। कोर्स कंटेंट में ये दोनों वीडियो पड़े रहेंगे, आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप दोबारा देखिए। इसके बाद आगे जब आप एडमिशन ले लेंगे तो उसके बाद व्हाट्सएप में आप हमसे जुड़िए, जो प्रॉब्लम आएगी हम बताएंगे, जो नोट्स हैं वो हम आपको उसके लिए पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा 2-3 टर्न के बाद। मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर है 9839106061, और दूसरा नंबर है 9936300301। दोनों पे ही व्हाट्सएप पे भी हैं, आप पहले वाले पे करिए चाहे दूसरे वाले पे, वो प्रॉब्लम आपकी जो भी होगी वो सॉल्व की जाएगी, जो चैप्टर से रिलेटेड या नोट्स से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर।